गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर में थोड़ा अंधेरा हो रखा है, लाइट वगैरह जलाते हैं। यस, और आज हमारे घर पे कोई आने वाला है। मेरे मामा की जो बेटी है ना, वो आने वाली है। सबसे छोटी वाली जो बेटी है ना, वो आने वाली है। सो बस मैं उसी का वेट करें, फिर सब लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे। एंड ब्लॉग में बने रहिए, आप सबको भी मिलाएंगे। आप सब पहले भी मिल चुके हो उसे, बट कोई नहीं, अब वो आ रही है, अब फिर से मिलेंगे और वो कुछ दिन हमारे पास रुकेगी, तो और भी अच्छी बात है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, मैंने लंच बनाया है। लंच मेरा रेडी हो गया। लंच बनाया है चावल, एंड ये है दाल, और ये है मेथी की सब्जी। तो लंच रेडी, अभी हम लोग लंच करेंगे। खेलने वाले हैं लूडो गेम। रोटियां रखी हैं एंड हम चारों मिलके और लूडो गेम खेलने वाले हैं। उसे स्टार्टिंग होगी। 1 2 3 स्टार्ट। 5 आए। 5 में निकल आते। 5 में नहीं निकलती है ना। 3 चलो मुझे दो। ओ 6 के ऊपर एक और मिलेगा। ओ 6 1 ये नहीं खाना, नहीं पिटाई वाला। ठीक है, जो हारने का उसको खाना बनाना पड़ेगा। भीड़ भीड़ के बाबू खाना बनाएगा। बाबू हारेगा तो नहीं नहीं, मैं बना लेता हूँ। लेकिन बना लेते, क्या बना लेते? चलो तो तुम हारा रहे। ठीक है, हारने के बाद जो हारेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या मिलेगी वो हारने के बाद पता चलेगा। बैठ के तो खेलो, आप तो लेते ही हो। अर्चना की रेड है, मेरी येलो, इनकी ब्लू है। ओके, 2 2 चलो आप। 6 2 इनकी भी बन पे लगी है, मेरी भी बन पे लगी है। अर्चना की अभी यहाँ पड़ी हुई है। बस बन नहीं आए आपको, बन नहीं आए, बन नहीं आए। ओ 3 बन नहीं आएंगे तुम्हारे, बस मेरे आ जाएं बन। ना, 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 ना। ये यही है। अगर तुमने देख, अब आप चल दे, अगर ऐसे चला और आ गए तेरे पास। फाइनली मेरी येलो चारों गोटियां अंदर चली गई हैं। अर्चना की ये बची है, ये यहाँ बन पे अंदर जाने के लिए लगे हुए हैं। तब तक अर्चना वहाँ अंदर आई जा रही है। जिनको बन चाहिए उनका बन नहीं आ रहा, जिनको नहीं चाहिए उनका आ रहा। ये देखो, अर्चना बिल्कुल पास में आ गई। दोनों की बन बन पे लग गई। सो गाइस, मैं जीत गई। मैंने अर्चना को बहुत ज्यादा पीट लिया है और ये पिटने को बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे हैं। ये देखो इनको बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा है कि मैं जीती हुई हूँ ना। और नहीं अर्चना, ये जीत जाते ना तो मुझे जबरदस्ती पीटते हैं, और मैं जीती हूँ ना तो मेरे साथ इनको मार नहीं खानी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह के बज रहे हैं, 9:30 होने को हो रहे हैं, और हमारे घर के दोनों मेंबर चले गए हैं, और हम दो घर में, मैं और अर्चना। सो अभी हम लोग लगे हुए हैं घर के कामों में। मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज करनी है। सो ये देखो, यहाँ पे मैंने सारे बेडशीट वगैरह सब हटाती हूँ एंड चेंज करती हूँ। और आज हम लोग क्या करेंगे वो अभी ब्लॉग में बने रहिए, सब पता चल जाएगा। मेरा आज कुछ करने वाले अर्चना
आज कुछ बोलेगी, बोल सही। अच्छा हाय हेलो तो बोल दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी इस रूम की मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि काफी हफ्ते वर्क पे लगी हुई थी और मेड आएगी तो वो अभी पूरा फिर साफ कर जाएगा। पता नहीं हम लोग क्या काम करने में लगे हुए थे। मैं लगी थी एक वीडियो को अपलोड करने के लिए। एक्चुअली पता है मेरे ब्लॉग इतने, मुझे समझ नहीं आता मेरा ब्लॉग लेट हो कैसे जाता है। एक तो पता है अभी मैंने रिसेंटली ना बर्थडे वाला ब्लॉग अपलोड किया, अभी जस्ट किया है, सो हम लोग वही देख रहे थे। और जो रोजांश का बर्थडे वाला ब्लॉग था ना, वो वाला अपलोड किया है, उसको देख रहे थे। और इस ब्लॉग को मुझे एडिट करने पता है 2 दिन लग गए। 2 दिन पता है क्यों लग गए, क्योंकि ना लैपटॉप ख़राब था ना, उसकी वजह से अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर कल शाम को जब ये ऑफिस से आया, फिर उनको दिखाया, फिर उन्होंने रात में जाके ठीक किया, तब जाके मैंने सुबह में अपलोड कर पाया। एंड 2 दिन मुझे उसका एडिट करने में भी लगा, क्योंकि कुछ कुछ काम भी बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए। बट कोई नहीं, फाइनली अपलोड हो गया। और वो पता है ये वाला जो ब्लॉग है ना, 2 पार्ट में गया, फर्स्ट एंड सेकंड, फिर उसके बाद ये सारे ब्लॉग्स जाएंगे, है ना। आज मैंने नहा लिया, मैं पता नहाया भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पूजा पाठ वाली है, इसलिए नहा लिया, पूजा हो गई है। हमारे घर में इतनी अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, आज मैंने पूजा कर दी है, है ना। ये देखो कपड़े पड़े हुए मशीन में डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर ना धूप नहीं रहती है, थोड़ी सी देर रहती है ना तो ऐसा लगता है कपड़े जल्दी से सूख जाएँ धूप में, क्योंकि धूप में कपड़े सूखना बहुत ज़रूरी है। सो धूपबत्ती की ना, वही मैं बोल रही कि अचना ने पूजा कर दी ना, तो धूपबत्ती की खुशबू आ रही है। तो इसमें कपड़े निकालेंगे, बहुत सारे कपड़े हैं, सारे उलझ जाते हैं इसमें। कितनी अच्छी धूप निकली है ना, आहा, बस ठंडी आ गई है। ठंडी में ऐसा लगता है कि धूप में ही बैठी रहो बस, और हवा भी बहुत तेज चल रही है। अगर धूप नहीं हो ना तो ठंडी बहुत ज्यादा लगे, क्योंकि हवा भी बहुत ठंडी ठंडी वाली चल रही है ना। दीदी कपड़े डाल रही है, कपड़े धुल गए हैं, देखो इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, एक बाल्टी पूरी भरी हुई है। रोज धुलते हैं ना, फिर भी इतने ही रोज कपड़े निकलते हैं, समझ में नहीं आता तुझे कपड़े निकलते कहाँ। पहनते हो तो निकलते हैं, पहन के रखते हैं, बर्तन ऐसे ही निकलते हैं, ऐसे ही कपड़े निकलते हैं, और रोज रोज वही काम निकलता है, रोज का रोज है ना। ये हर हाउस वाइफ के साथ होता है, रोज डेली यही काम करने पड़ते हैं, कितना भी कर लो ना फिर भी रोज करना पड़ता है। सोचते हैं कल थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, इस वाले काम को आप करें, नहीं, बट रोज ही ऐसे करके रोज दिनचर्या चलती रहती है। रुद्रांश कब है यार? अभी हम आ रहे हैं रुद्रांश को स्कूल से लेके। ये देखो अचना गई थी साथ में, ये जा रहे हैं हमारे सर जी। थोड़ा सा ना बोर हो रहे थे बेचारी को, कहीं नहीं घुमाया, घर में ही पड़ी हुई है, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा उसको घुमा के लेके आते हैं। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5, और इन मैं बताती हूँ दिन भर की दिनचर्या हम लोगों ने क्या किया। ये स्कूल से आने के बाद रुद्रांश ने होमवर्क किया, अचना थोड़ा सा कपड़ों पे ब्रश कर रही थी, उसने ब्रश किया, और मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी। और ये दोनों पता है क्या मूवी देख रहे थे, ये दोनों ही बताएंगे कौन सी मूवी देख रहे थे। जरा बताना जरा कौन सी मूवी देख रहे थे। मैंने तो नहीं देखी, क्योंकि मैं रुक बैठी हूँ उनकी वाली। आपने देखी बिट्टू? कौन सी थी? आधी रह गई अभी कौन देखी? अच्छा आधी रह गई है, आधी अच्छा। सो भाई इन लोगों को मूवी देखते देखते इतना ज्यादा डर लगने लग गया कि अब मैं इन लोगों को मरने लेके जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, सो बस थोड़ा सा आते हैं घूम के, शाम को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी 5-6 बजे अंधेरा हो जाता है, बट 5 बज रहे हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं और फिर आते हैं। ये भी अभी ऑफिस से नहीं है, आज इनका मीटिंग है, तो जल्दी आ जाएंगे, तो हम लोग भी मंदिर घूम के जल्दी आ जाएंगे, या तो उनके साथ ही आ जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से लौट आए। हम लोग मंदिर पहुँच गए, और ये देखो अंधेरा भी हो गया, और पीछे देखो मंदिर, आप सबको भी दर्शन करवा दिए हमने, ये देखो। सो यहाँ आते आते हम लोगों को अंधेरा हो गया, एंड थोड़ी सी एक आध हम लोगों ने रील्स बनाई। रुद्रांश हमारा थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मस्ती करने के मूड में है, और वो मैंने थोड़ा सा डांट लगा दी इसलिए। और ये देखो पीछे देखो, जब भी कोई आता है ना, सबसे पहले हम उसको इसी मंदिर पे लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ आके ना बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी बड़ा मंदिर है, और सबसे बड़ी बात ये वाले ये जो मंदिर है ना हमारे घर के पास है, तो हम लोग कभी भी आ जाते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। सो हम अचना को भी लेके आए, और आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में कि हमारा जब भी मन होता है तो हम लोग यहीं आते, इसी मंदिर पर आते हैं, और कोई आता भी है ना तो उसको भी यहीं घुमाने के लिए लेके आते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर घूमते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी मंदिर पे आए थे, क्योंकि हमने सोचा पहले ये घूम के आते हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा। आ जाओ चलें,
अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे किया आपने, जैसे की क्यों जैसे कर लो, ऐसे ऐसे जय की जाती है, अच्छे से माथा टेक के आते जाओ जो करके हो। हाँ बहुत ऊंचे हैं वो, बहुत हाइट पे, देखो उनके पैर। तूने फर्स्ट टाइम देखी होगी ना इतनी ऊंची प्रतिमा, है ना? शिव जी की, हाँ शिव जी की भी है ऊंची, वो हरिद्वार में है, बट यहाँ मतलब हनुमान जी की ये प्रतिमा है सबसे ऊंची। नहीं भगवान जी के ऊपर कौन चढ़ता है। और यहाँ का व्यू देखो, सामने में कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मंदिर घुमा देते हैं अर्चना को, है ना? चलो नेक्स्ट मंदिर घूमने चलो। अब और सामने में जो सामने में भी दिख रहा है ना मंदिर, अब हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। हमेशा खेलने के मूड में रहता है ये लड़का। देखो दोनों की कितनी मस्ती हो रही है। कहाँ बैठा हुआ है ये? किसके पास बैठे हो आप? स्नेक, हाँ सांप के पास बैठे हो। पीछे वाला जो मंदिर है ना, हम ये वाला मंदिर भी घूम लिए हैं और रचना ना ऊपर चली गई है घूमने के लिए। मैंने सोचा तब तक घूम के आ जाओ, मैं पप्पू को सैंडल्स वगैरह पहना देती हूँ एंड फिर हम लोग चलते हैं, क्योंकि काफी लेट हो जाएगा ना। और पीछे का व्यू देखो कितना शानदार, कितना अच्छा लग रहा है। वो फिर से वापस से वहीं जाके बैठ गया है। मौसी आ गई मंदिर घूम के, आ जाओ घूमाई। ये बाबा जी की प्रतिमा है, ये बाबा जी ने ही ये पूरा मंदिर बनवाया है। ये मंदिर है संत बाबा नागपाल जी का। अंदर नहीं जाते बेटा, घूम लिया सारा मंदिर, थक गई घूमते।